हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टीचर एग्जाम टारगेट। यदि आपने DSSB, PRT, TSTP, या सी टैट, एस टैट, यूपी टैट या जितने अदर स्टेट के टैट होते हैं उनके लिए अप्लाई किया तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उनसे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देर की। तो आज हम पढ़ेंगे विश्लेषण विधि, एनालिटिक मेथड भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एनालिटिक, एनालिटिक शब्द अंग्रेजी के एनालिसिस से बना है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? विश्लेषण करना, किसी भी चीज का विश्लेषण करना होता है। एनालिस से बना है ये। इसमें क्या होता है कि समस्या के संपूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं। पहले तो क्या देखते हैं कि समस्या क्या है, इसमें हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, फिर उसको टुकड़ों में बांटकर विवेचना करते हैं। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है कि जिससे समस्या का हल निकालना आसान हो जाए। फिर विश्लेषण के बाद समस्या के समाधान पर पहुंचते हैं। फिर सब उन टुकड़ों को इकट्ठा करके फिर हम समस्या के समाधान पर पहुंचते हैं। यह विधि चिंतन स्तर का अधिगम करवाती है। यह विधि केवल हमारे चिंतन स्तर का विकास करती है, क्योंकि इसमें हमें समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए सोचना पड़ता है, इसलिए हमें यह हमारे यह चिंतन स्तर का अधिगम करवाती है। इसके गुण आइए देख लेते हैं। इसके मुख्य क्या क्या गुण है इस विधि के, जिसके कारण यह प्रभावशाली विधि मान जाती है। यह तर्क, समरण व निर्णय शक्तियों को विकसित करती है। यह हमारे तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति व निर्णय शक्तियों का विकास करती है। इसमें विद्यार्थी स्वयं समस्या का हल खोजता है। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी को एक समस्या दे दी जाती है, उसका हल वह स्वयं खोजना होता है, उसमें दूसरों की सहायता उसको नहीं लेनी होती। इसलिए इसमें विद्यार्थी स्वयं हल खोजता है तो उसे ज्ञान स्थाई प्राप्त होता है। इससे छात्र क्रियाशील रहता है, मतलब छात्र हमेशा इस विधि में क्रियाशील रहता है, वह हमेशा समस्या के समाधान तक पहुंचने की कोशिश करता रहता है। इसमें छात्रों में अन्वेषण करने की अक्षमता का विकास होता है। इससे क्या होता है कि छात्रों में अन्वेषण, अन्वेषण को खोज भी बोलते हैं, इसे खोज करने की अक्षमता का विकास होता है। वह जगह जगह से इसके बारे में जानकारी एकत्रित करता है, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। स्वयं सीख करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि समय करके सीखने के सिद्धांत पर भी आधारित है, क्योंकि इसमें बच्चा समय समस्या का समाधान खोजता है। सीखा गया ज्ञान अधिक स्थायी होता है इस विधि में। इससे मतलब हमारा यह है कि जब बच्चा समस्या को पूरे लगन से या पूरी रुचि लेकर करता है तो उसका ज्ञान स्थायी होता है इस विधि से, क्योंकि इसको बहुत बार चिंतन करना पड़ता है किसी भी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए, इसलिए इसमें सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। अगली इसकी विशेषता यह है कि इससे छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। यह विधि छात्रों के अंदर आत्मविश्वास भी उत्पन्न करती है, क्योंकि बच्चा यदि किसी समस्या का समाधान खुद से निकालेगा तो उसके अंदर आत्मविश्वास अपने आप पैदा हो जाएगा। यह प्राथमिक स्तर पर इतनी उपयोगी विधि नहीं है, लेकिन छात्र केंद्रित विधि है यह। इसके कुछ दोष भी हैं, ये देखते हैं क्या क्या है। यह एक कठिन विधि है, इससे छात्रों में निरसता आ जाती है। यह एक शिक्षण की कठिन विधि है, क्योंकि छात्र को बार बार समस्या का समाधान करने के लिए मतलब ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा चिंतन करना पड़ता है, इसलिए छात्रों में निरसता आ जाती है इस विधि से। प्रत्येक विषय का शिक्षण असंभव है। इस विधि से प्रत्येक विषय का शिक्षण भी असंभव है, क्योंकि प्रत्येक विषय के अंदर समस्याएं हमारे को नहीं दी जाती, इसलिए प्रत्येक विषय का शिक्षण इस विधि के द्वारा नहीं किया जाता। लंबी विधि है, ज़्यादा समय लगता है इसमें, ज़्यादा समय लगता है हमारे समस्या के समाधान पर पहुंचने के लिए। विभिन्न साधनों से या जगहों से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है, तब हम समस्या के समाधान पर पहुँचते हैं। इसे निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया जा सकता। इसकी यह एक मुख्य कमी भी है कि इससे हम निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर सकते। यदि बच्चों को समस्या दे दी जाएगी तो प्रत्येक विषय के ऊपर तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसे पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा।
प्राथमिक स्तर पर प्रभावशाली प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस विधि का प्राथमिक स्तर पर प्रभावशाली प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे इतने मानसिक स्तर पर परिपक्व नहीं होते कि वे हर समस्या का समाधान निकाल सकें, इसलिए यह प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की उपयोगी विधि नहीं मानी जाती। तो हमने ये पढ़ी हमारी शिक्षण की विधि, विश्लेषण विधि। आइए इसका रिव्यू ले लेते हैं एक बार। एनालिटिक, यह एनालिसिस से बना है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को समस्या समाधान के लिए दे दी जाती है, उसको टुकड़ों में बांटकर उसका विश्लेषण करता है, फिर उसको बारे में जानकारी एकत्रित करता है, फिर किसी समस्या के समाधान पर पहुंचता है। चिंतन स्तर का अधिगम कराती है। इसके मुख्य गुण क्या क्या है? यह तर्क समर्थन और निर्णय शक्तियों का विकास करती है। इसमें समय समस्या का समाधान खोजता है, इसलिए छात्र क्रियाशील भी रहता है। इसमें अन्वेषण करने की क्षमता का विकास भी हो जाता है। इससे समय करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। यह सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि खुद समस्या का समाधान खोजता है, तो इससे उसको चिंतन करना पड़ता है, जिससे सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। यह बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करती है, क्योंकि यदि वह बच्चा समय समय किसी समस्या का समाधान निकालेगा, इससे उसमें आत्मविश्वास पैदा होगा। दोष, इसके कुछ दोष भी हैं जिसके कारण यह प्रभावशाली विधि नहीं रह जाती। इसके कारण यह कठिन विधि, इसमें निरस्ता आ जाती है। प्रत्येक विषय का शिक्षण असंभव है इस विधि से, क्योंकि प्रत्येक विषय में समस्या समाधान के लिए नहीं दी जा सकती। लंबी विधि है, निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक विषय या समस्या को बच्चों को हल करने के लिए दे दिया जाएगा, तो इसमें पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। प्राथमिक स्तर पर यह प्रभावशाली नहीं है विधि। इसका प्रयोग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक या कॉलेज स्तर पर इसका प्रयोग प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है। तो हमने ये पढ़ी हमारी विधि, विश्लेषण विधि। यदि इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट कर दीजिए, और यदि पसंद आई हो तो ये वीडियो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।